नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले इंटर पास स्कॉलरशिप 2022 के बारे में, यानी कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आपने भी 2022 में इंटर पास किया है तो अभी तक आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिला है, तो कैसे आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक बने रहेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर ये बतलाया गया है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। स्कॉलरशिप से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपको क्लियर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं हमारे पास एक नोटिफिकेशन पर, देख सकते हैं बुधवार 13 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। देख सकते हैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय सारण और छापरा, यानी कि जो भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सारण और छापरा जिले के लिए जारी किया गया था, तो आपको देख लेना भैया जरूरी है किसी और जिले से आते हैं ताकि आपको ये जानकारी रहेगी तो अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। ठीक है, देख सकते हैं सूचना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत वर्ष 2022 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक केवल छात्राओं यानी लड़कियों का बात किया गया है का प्रतिवेदन जमा करने हेतु आवश्यक सूचना, यानी जो भी डॉक्यूमेंट जमा करने उसके लेकर आवश्यक सूचना जारी किया गया। प्रतिवेदन जमा करने हेतु आवश्यक नोटिस जारी किया है जो भी लड़के 2022 में फर्स्ट डिवीजन पास किए उनके लिए, यानी सारण और छपरा जिले के लिए लड़कियाँ। ठीक है, अब यहाँ देख सकते किस योजना के अंतर्गत, देख सकते मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत 2022 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना उच्च माध्यमिक से इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कुल 1059 हैं, यानी जो भी सारण जिले की बात किया गया है सारण और छपरा जिले के 1059 लड़कियों की बात किया गया जो कि फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम छात्र हैं, यानी मुस्लिम जाति के यहाँ से लड़कियों की बात किया, मुस्लिम छात्राओं को इस प्रेस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि CFMS प्रणाली के तहत प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाना है, यानी कि 1059 मुस्लिम छात्राओं ने जो कि फर्स्ट डिवीजन पास किया उनको सूचित किया जाता है कि जो भी स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा CFMS की प्रणाली के तहत प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाना है। 22 में इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं इस योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु वे इस प्रेस विज्ञापित के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर अपना अभिलेख यथा अंक पत्र, प्रवेश पत्र, एडमिशन रसीद, बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड के छाय प्रति, मोबाइल नंबर के साथ अपने विद्यालय के माध्यम से अथवा स्वयं अधिष्ठित के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें ताकि योजना का लाभ दिया जा सके। यानी कि जो भी 1059 लड़कियाँ हैं जो कि मुस्लिम वर्ग से आती हैं उन्होंने ये बताया गया कि आप अपने स्कूल कॉलेज में अंक प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, एडमिशन रसीद, बैंक पासबुक और आधार कार्ड का फोटो और मोबाइल नंबर जाकर अपने कॉलेज में जमा कर जाए कि जो भी स्कॉलरशिप का पैसा है आपके खाते में भेज दिया जाए, यानी कि सारण और छपरा जिले की बात कहा गया। ठीक है फ्रेंड, हो भी सकता है कहीं आपके जिले में निकला, आप कमेंट करके बताइए आप किस जिले से हैं ताकि उस जिले से हम जो भी अपडेट आएगा स्कॉलरशिप को लेकर हम आपको बतला देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले ये देख लेते, सोचा हमने इस पर वीडियो बना देंगे ताकि बहुत से लोगों का ये हेल्प हो जाएगा। देख सकते हैं नोट, अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय सारण या छपरा अथवा दूरभाष संख्या इतना पर संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का अगर सवाल जवाब हो तो आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय सारण या छपरा अथवा दूरभाष संख्या कॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आपके लिए यूजफुल रहा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिएगा। स्कॉलरशिप से रिलेटेड बस इतना ही छोटा सा अपडेट वीडियो था, तो वीडियो जरूर अच्छा लगा। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बिहार से हर छोटी बड़ी अपडेट हम उसमें शेयर करते रहेंगे। चलिए